अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है डॉक्टर साहब? ठीक ठीक ठाक है सर। अच्छा सर, ये जो बच्चों के आइज़ का इशू होता है सर, ये कितनी उम्र तक जो बच्चे हैं उनका अप्स डाउन होता रहता है आई साइट जो है? ऐनक की जो है? हाँ जी हाँ जी। कोई इतना अचंभे वाली या परेशानी वाली बात नहीं है, बच्चों को ऐनक लग जाती है। अच्छा, और ऐनक का नंबर बढ़ता रहता है, कम हो जाता है, रुक जाता है बीच में। अच्छा, उसमें कितनी एज तक सर? जब स्कूल को एंगेज खत्म होती है ना मैट्रिक, और उसकी 18-19 साल 17-18 साल। अच्छा, इस तरह अमूमी दौर पर चेंजेस होती रहती हैं ऐनक के नंबर के। अच्छा, उस उम्र में जाके फिर ये रुक जाता है, स्टेबल हो जाता है। तो इसके लिए कोई मतलब मुफीद मशवरा जो है, जो ऐनक का नंबर है वो आप 6-6, 8-8 महीने बाद चेक जरूर करवाते रहते हैं। अच्छा, के लिए कि चेंज तो नहीं हो गया। ठीक है, तो चेंज वगैरह हो जाए तो उस नंबर को यूज़ कर लें। उससे ये होता है कि जो बिल्कुल फ्रेश करंट नंबर होता है उससे बच्चा कंफर्टेबल रहता है। ठीक, अगर तो नंबर चेंज हुआ हुआ और बच्चा पुरानी ऐनक ही लगा रहा है, उससे बच्चा कंफर्टेबल नहीं रहेगा, कोई ना कोई कंप्लेन करता है। अच्छा, बस इसमें यही करना होता है। इसके अलावा जो देसी पोटके होते हैं, कुछ बादाम या सौंफ या इस तरह की जो चीज़ें होती हैं वो खिला देनी चाहिए। वो खिलाने में कोई हर्ज नहीं होता, डाइट अच्छी करने से भी ऐनक का नंबर रुक जाता है। रुक जाता है। चलो, थैंक यू सर।